लूसिफर आए. जी लूसिफर, क्या हाल है? हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड. आपका क्या हाल है? बस जबरदस्त मैम, अभी रात के 12 बज रहे इंडिया में। हाँ, यप 50 साल एज हो गई है. आप भाई, तुम मत देखो ना मेरे को, फहाद खान, 50 साल मेरी एज हो गई है, बाल तेरे खत्म हो गए, गंजा तू हो रहा है, पता नहीं कितनी छोटी सी एज. मैम, मैं आपसे एक पर्सनली आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, दैट इतने नेगेटिव लोग हैं इंटरनेट पे, आप कैसे इन लोगों को डील करती हैं? मतलब लोगों के अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। मुझे बड़ा अजीब लगता है कभी कभी, कितने इंटेलिजेंट लोग, जैसे ये खयाम जैसे लोग, इतने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड लोग, इनके दोगले। मतलब इनके दे डोंट डिजर्व देयर नेम्स बीइंग कॉल्ड. बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट स्ट्रीम में ये बंदा आपको गालियां दे रहा था, एक स्ट्रीम में आके आपसे माफी मांग रहा था, फिर उसके बाद वाली स्ट्रीम में आपको गालियां दे रहा था, आपके नाम पे 6-6 घंटे की स्ट्रीम करके आपको गालियां देता है। मतलब ये क्या है, ये कोई बाइपोलर है क्या? पता नहीं, हेटेड लोगों के अंदर ज्यादा ही है, जेलेसी होती है, बहुत कुछ होता है. वो मैं आई डोंट केयर एनीमोर, बोलते रहे लोग सारे, मुझे तो उससे वो नहीं है. मे कितने बी साल ऐसे लोग बच कितने लोग आए हैं यहाँ पे, मुझे गालियां भी देते हैं, पीछे पीठ पीछे जाके बकवासें भी करते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पर, फिर आ जाते हैं यहाँ पर. मैं तो ये सोचती हूँ बेगैरती की भी हद होती है एक तो, मगर बेगैरती की कोई हद नहीं है. आप जितने बेगैरत बन जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है. अपनी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना एक बंदे को, सही अपनी बात इज्जत. है। आप वो कहते हैं ना, आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है, कि अगर ये आकर यहाँ पर ये बकवास कर रहे होते हैं ना, तो फिर मैं इनको ऐसी ही जवाब देती हूँ कि देखो, साजिद अली जैसे लोग होते हैं ना, जिनको मेरी शक्ल में उनकी माँ दिखती है, तो फिर वो ऐसी चीजें लिखते हैं. इनको मेरी तो शक्ल ये में तो भोसड़ी वाले आते क्यों भैया हैं फिर, जब आपको गालियां देते हैं? तो मुझे तो समझ नहीं आता है यार, कभी इनका कभी। दिन गुजरता हिलाए बगैर, और वो हिलाएंगी कैसे जब तक मैं देखूंगी नहीं. तो बस नेक्स्ट लेवल रोस्ट। तो ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई है कि मैं इनको बस रोस्ट कर देती हूँ. मलिक हिलाल जी, आपका जो है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर कह रही हूँ, आपका कैमरा नहीं कनेक्टेड है इस वक्त, जरा प्लीज कैमरे को अपना कनेक्ट कर दीजिए. ये कह रहे हैं आप पे बिंदिया बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू. वो चंद इंडियंस को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने बिंदिया क्यों लगाई है. यार मैं कुछ भी पहनू, मेरी मर्जी, मैं बिकिनी पहन के बिंदिया पर लगा के घूमू, मेरी मर्जी. आई हैव सो मेनी स्टोन्स, मेरे पास बड़े स्टोन्स पड़े हुए, मैं यानी यहाँ पे भी लगाना चाहती हूँ, यहाँ पे भी एक लगा लेना चाहिए छोटा सा, यू नो, इट्स लाइक आर्ट. अच्छा क्यों मैम, वो कैमरा उधर करो ना, वो जरा, वो क्रिसमस का आपने कुछ लास्ट टाइम वो कुछ दिखाया था ना, क्रिसमस का कुछ आपने नहीं तैयारियां की? हाँ देखो, कहा वो क्रिसमस ट्री, क्या बात है, क्रिसमस वाओ, दैट वाज ट्री. सो कूल। या अच्छा क्रिसमस के दिन मेरा बर्थडे भी है। जो आपका बर्थडे हो, अब आप क्रिसमस नहीं के कहते दिन कि है। आप जीसस हो, प्लीज. नहीं, मैं तो एथियस्ट हूँ, बट लकी डे है मेरे लिए। ये क्या कह रही है? बदों को खुद मुख्तार औरत बद करदार और फहाशा लगती है, क्या मतलब है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मीना जी कह रही है, बंद जहनों को खुद मुख्तार औरत बदकिरदार फाशा लगती है. जी जरूर, ऑफ कोर्स, जो औरत अपने लिए खड़ी हो गई है, बात कर रही है, तो उसको बदकिरदार ही बोल देते हैं ये. अच्छा, आप कुछ और बोलना चाहेंगे लूसिफर? बस कुछ नहीं मैम, मैं तो बस आया था आपको हाई करने, आप इतनी पॉजिटिव हैं, बट मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने नेगेटिव लोग हैं इंटरनेट पे, आप कैसे इन लोगों को डील करती है, हैंडल करती है? मेरे हिसाब से आप इन लोगों को इतना टाइम ही मत दो। मैं तो वो देती किसी को टाइम, मैं तो यहाँ पे मजे उड़ाती हूँ इनके, मुझे तो, मैं इससे बात, ये बंद, मेरी लाइफ इतनी इट्स बीन बिजी है. लवली बट आई हैव टू स्क्रीम नाउ, ओके दैट वाज सो कूल। तो मैं यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ, आई डोंट नो वेयर टू पुट देम. एक यहाँ पे बैकग्राउंड में होने चाहिए, बस वहां पे तीन ठीक रहेगा, बट बैकग्राउंड में नजर आना चाहिए ना, ना आ रहे नजर, नजर आ रहा है, अदरवाइज बट वो आप चेयर मैं आगे बैठ लोगे तो तो पता हट चलेगा। जाएगा. यहाँ आ जाऊंगी तो हाँ इट्स नॉट गोइंग टू शो, तो मुझे यहाँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा. खैर, वो मैं हटूंगी तो देन यू कैन सी इट, आई गेस. तो एनीवेज, नहीं, आई हैव नो टाइम फॉर दिस. मुझे ऑनेस्टली, मेरे पास बहुत करने को है आजकल, और कल तो मेरे घर में छोटी सी पार्टी भी है, तो मैं पागलों की तरह बिजी हुई हुई थी. आज भी आई एम जस्ट क्लीनिंग अप एवरीथिंग, पूरा घर साफ वगैरह करना है, तो आई डोंट केयर, बोलते रहो. मेरी जात पे क्या भाई, आपकी लानतों से, आपकी बद्दुआओं से अगर मेरी सेहत पे असर पड़ता ना, मैं शायद थोड़ी पतली हो जाती, मगर मैं नहीं हो रही हूँ, तो मतलब क्या आपकी वो बद्दुआएं काम नहीं कर रही हैं.
व्हाट्स द पॉइंट. ठीक है चले लूसिफर, थैंक सही यू बात सो है मैम. मच. चलो मैं जाते जाते एक सॉन्ग गा रहा हूँ आपके लिए. जी जरूर. सबके लिए गाता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं शायद सबको अच्छा लगेगा. चलो मैं आपके लिए गाता हूँ जी एंड गाइए. सब लोगों के लिए. जो खुले जुल्फे तुम्हारी, दिन में काली रात हो, तुम जरा आंचल उड़ा दो, धूप में बरसात हो, ऐसा कोई भी कहीं हो मेरी नजर में नहीं. मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है. बस थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलो थैंक यू सो मच लूसिफर जी, टेक केयर.